हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा टेस्ट गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये सदाबहार भीमका के पौधे रखे हैं, ये देसी ही हैं। तो हाइब्रिड मेरा एक ही पौधा बचा है, वो नीचे रखा है। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और छोटे छोटे पॉट में लगे हैं और भी कम मिट्टी में लगे हैं। तो सदाबहार जैसा इसका नाम होता है, वैसे ही ये सदाबहार ही रहते हैं। ये बहुत कम मिट्टी, बहुत कम पानी और बहुत कम केयर में चलने वाले होते हैं। ये अपने नाम से ही मशहूर है, और पूरे 12 महीने ये गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, फ्लावरिंग देते रहते हैं। दोस्तों ये जिसके घर में लगा है तो उसको सबको अनुभव होगा, और ये शुभ पौधा भी है, और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसके बहुत सारे लाभ हैं। जितना ये नाम से सरल है, जितना ये कहीं भी गली या कहीं भी जहाँ पानी नमी रहती होगी आपको पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो जितना सरल है उतना ही इसके फायदे हैं, इसलिए इसे सबको अपने घर में लगाना चाहिए दोस्तों। तो आज हम मेन बात करेंगे कि पौधा मर क्यों जाता है, तो दोस्तों इसको मरने से कैसे बचाएं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, और थोड़ा भी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फर्टिलाइज़र के भी बारे में बताऊँगी, कितनी अच्छी फ्लावरिंग क्यों है, बीज बनने के बाद भी मुझे फ्लावरिंग इतनी अच्छी क्यों मिल रही है। तो दोस्तों ये देखिए, छोटे से ये पॉट में ये भीमका लगा हुआ है। ये देखिए छोटा सा पॉट, मिट्टी देखिए बहुत कम। ये देखिए 2 लीटर की बाल्टी में थोड़ी सी मिट्टी, और ये टमाटर कहीं रहा होगा, उगाया होगा, क्योंकि मैं नीचे वेस्ट डाल देती हूँ थोड़ा बहुत, तो कहीं रहा है तो उगाया। तो वेस्ट डालने के बाद पौधे लगाओ ना आप, ज़रूर छोटे से छोटे पॉट में भी लगाओ तो कुछ ना कुछ डाल दो। तो मैंने एक दिन की सुबह शाम की जो सब्जी मेरे किचन से निकली थी मैंने वो डाला, और उसके ऊपर मैंने केले का छिलका प्याज डाल दिया, फिर मिट्टी जो मैं मिट्टी बनाती हूँ सड़ी हुई गोबर की खाद, थोड़ा सा किचन वेस्ट और थोड़ा सा राख और नीम खली, तो वो डाल के मिश्रण ऊपर से पैक कर दिया जो वेस्ट डाला था, और ये पौधा लगा दिया। तो देखिए ज़्यादा फिर कुछ फर्टिलाइजर देना नहीं पड़ता, माह में आप एक बार लिक्विड डाल दो, जो भी आपके पास आर्गेनिक हो या इनआर्गेनिक हो, ये पौधे खुश रहते हैं। पानी का विशेष ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा ना हो, ओवर वाटरिंग से पौधे खराब हो जाते हैं दोस्तों। और अभी ये बहुत पुराना नहीं है पौधा, तो अभी इसमें बीज नहीं बने हैं। फ्लावर देखिए और घना भी देखिए, ब्रांच पे ब्रांच हैं, और ये पौधा इसमें भी देखिए मिट्टी बहुत कम है। ये देखिए फिर भी ये भी बहुत अच्छा फ्लावर कर रहा है। और दोस्तों कहते हैं ना कि बीज बनने के बाद इनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब यही बीज मैच्योर हो जाते हैं और ये चटक जाते हैं, और जहाँ जहाँ मिट्टी में पड़ जाते हैं वहीं अपने आप से ये उग जाते हैं। एक बार पौधा आप गार्डन में लगा लो और फिर ये आपको कोई पौधा नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप से बनते हैं। देखिए दोस्तों, बीज बनने के बाद भी फूल हमको मिले हैं। कहते हैं जब बीज आते हैं तो फूल कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जब बीज बने तो फिर फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ा दी, क्योंकि बीज बनने के साथ साथ हमको फ्लावर चाहिए। और बीज कितना तोड़े, एक दो हो तो तोड़े, इतने सारे रहते हैं तो आदमी तोड़ भी नहीं सकता, तो इसलिए फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ा दे। और देखिए मिट्टी बहुत कम लगी है, ये देखिए कम मिट्टी में छोटे स्पॉट में लगा हुआ है। ये हम बात कर लें कि ये पौधे मर क्यों जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पौधा, ये देखिए मैंने हजारों बार इसकी वीडियो शेयर की है। ये कूलर की टंकी है, 2 से 2.5 इंच गहराई है, और थोड़ी सी मिट्टी में लगा हुआ है। आप देखिए मिट्टी बहुत गीली नहीं है, बस नमी युक्त है। उसमें भी दुनिया भर के पौधे उगे हुए हैं अपने आप से। और इधर ये यही सदाबहार के पौधे, और वो येलो बटर कप, और ये बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। ये देखिए, अब आप देखिए पौधे से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने वर्ष पुराना पौधा है मेरा, ये देखिए। और इधर की ब्रांच कटी हुई है। तो दोस्तों पौधा मरने के मेन वजह है पानी बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से, क्योंकि हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, पानी डालते जाते हैं, ओवर वाटरिंग से ये पौधे खराब होते हैं। दूसरा कुछ मौसम का फंगल अटैक होता है, लेकिन सदाबहार में बहुत ही कम होता है, इसका ज़्यादा मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदाबहार 12 महीना ही चलता रहता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देता है। तो एक समय के बाद पौधा ख़त्म ही होता, कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती। देखिए ये है, ये देखिए ये ब्रांच मेरी स्वस्थ है, ये स्वस्थ है, और ये एक समय के बाद मरने लगी, लेकिन यहाँ पर अपनी ये फुटाव छोड़ा है। तो हम दोस्तों अगर हम यहाँ से इसको कट कर दें तो ये फैलेगा नहीं, ये पुराना होके ब्रांच ख़त्म होती है, पानी के कारण ख़त्म होती तो पूरा ख़त्म हो जाता। ये पुराना या कि फिर इसमें कोई रोग लग गया,
तो वो कट गई, यहाँ से ग्रोथ हो जाएगी। इसी तरह जो मैं ये कट दिख रहे हैं, इसी तरह जब ब्रांच खराब हुई तो मैंने ये कट कर दिया और दूसरी ये इसमें ग्रोथ हुई थी, ये पौधे बनते रहे। ये तीन तीन साल, ढाई ढाई साल पुराने पौधे हैं दोस्तों आपके सामने, आप ब्रांच से अंदाज कर सकते हैं। देखिए नया पौधा का तना इस तरह का है और पुराने का उस तरह का है। तो ये खास वजह होती है ओवर वाटरिंग, और कभी पुराने होकर या मौसम के प्रभाव से पौधे खराब होते तो हम ब्रांच को वहाँ से कट कर दें, दूसरी हमको नया पौधा तैयार होता रहेगा, नई ब्रांच तैयार होती रहेगी। तो ये हो गई। और दोस्तों आप सरसों खली का लिक्विड डालें या थोड़ा सा चाय की पत्ती और उसमें प्याज का लिक्विड मिला के डालें, आपके ढेरों फ्लावर आएंगे। माह में दो बार ऐसा करिए। और अगर ये नहीं कर सकते इन ऑर्गेनिक में, आप DAP और थोड़ा सा पोटास, एक पौधे में 7 से 8 दाना DAP हल्का गोड़ा करके और 1/2 टीस्पून पोटास, फिर देखिए फ्लावरिंग इसी तरह ढेरों होगी और पौधे चमकदार और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों यही है पौधे मरने का कारण और पौधे बचाने का। तो नमस्कार दोस्तों, अगर थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।